हेलो फ्रेंड, मैं शिवानी मिश्रा, स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे, तो देख लीजिए। ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच रखें, इसकी चौड़ाई जो है 10 इंच है, शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच है, आर्म होल की भी 5.5 ही रखे हैं। 2.5 इंच की चौड़ाई रखते हुए मैं गले की मार्किंग कर रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग 2.5-3 पे मार्क कर सकते हैं। नीचे के साइड से 3 इंच की रखेंगे, यहाँ से 3 इंच का मैं रख रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ से भी 2.5 इंच का रख सकते हैं, मुझे थोड़ा सा ब्रॉड नेक चाहिए। यहाँ से दोनों लाइन को बराबर करते एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब गले की लेंथ लेंगे तो मैं 10 इंच रख रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग जितना आपको डीप नेक चाहिए उतना लेंथ लीजिएगा। अब यहाँ से मार्क करेंगे, फिर डिज़ाइन का मार्क मैं मटका शेप में करूँगी। तो ये देख लीजिए, मैं इसको डायमंड शेप मटका शेप कर रही हूँ, तो डायमंड शेप भी इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से मार्क कर लीजिएगा, इसकी सेम कटिंग भी कर दीजिएगा। तो जैसे मार्किंग किया था सेम कटिंग कर दी है। इसके साथ में ब्लाउज का मेन फैब्रिक ले लेते हैं और इसकी भी कटिंग सेम ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी अस्तर का करके दिखाया है। दोनों को बिल्कुल बराबर रखते हुए एक सिलाई लगाते हुए गले की पूरी स्टिचिंग करेंगे। तो क्लियर देख लीजिए वीडियो में मैं कैसे इसकी स्टिचिंग करी। इसी तरीके से बराबर रखते हुए गले को पूरा स्टिच कर दीजिएगा। मैंने कम्प्लीटली पूरे गले की स्टिचिंग कर ली है, दोनों को पार्ट को अटैच कर दिया है साथ में। अब इस पर छोटे छोटे कट लगाएंगे, कट लगाने से इसको पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन बिल्कुल बराबर में आ जाएगी। तो ये देख लीजिए, मैंने पूरे गले पे इस पर कट लगा लिया। अब इसको पलट कर सीधा करेंगे तो अस्तर और कपड़े को सीधा कर देंगे तो ये बिल्कुल बराबर में आएगा। हाथों से थोड़ा प्रेस करने के बाद फिर इसके ऊपर से सिलाई लगाते हुए इसकी पूरी फिनिशिंग दे दीजिएगा। इससे डिज़ाइन जो है गले का उभर कर दिखने लगेगा। तो देखिए, मैंने कम्प्लीटली इसकी फिनिशिंग दे दिया है। अब ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग करना है। अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर रखेंगे और इसके साइड से सिलाई लगाते हुए ऑलराउंड स्टिचिंग कम्प्लीटली कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा मैं कैसे कर रही हूँ। इसी तरीके से पूरा अच्छे से इस पर कीजिएगा सिलाई। तो मैंने दोनों फैब्रिक को मिला तो एक साथ में अटैच कर दिया सिलाई लगाते हुए। अब नीचे का इसमें जो है टक्स लगाएंगे, तो नीचे से माप ले लेते हैं, फिर माप लेते हुए दोनों साइड से टक्स को लगाएंगे। तो एक साइड से मैं लगा के दिखा रही हूँ, एक साइड से टक्स लग चुका है। इसी तरीके दूसरे साइड से माप लेंगे, टक्स को लगा देंगे। थी दोनों साइड से टक्स लग चुका है। नीचे का बॉर्डर बनाने के लिए मैं अस्तर का फैब्रिक कट किए और इसको बराबर रखेंगे ब्लाउज के साथ में बिल्कुल, और इसको अटैच कर देंगे नीचे के साइड से पूरा। तो कम्प्लीटली इसको मैंने अटैच कर दिया, फैब्रिक को फैलाएंगे और इसके ऊपर से एक सिलाई लगाते हैं, इसकी पूरी फिनिशिंग दे देंगे। तो ये देख लीजिए, मैंने फिनिशिंग दे दी है। पट्टी ज्वाइंट हो चुकी है, इस पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे, फिर ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करेंगे और नीचे का पूरा बॉर्डर बना लेंगे सिलाई लगाते हुए। तो आपको ये समझ में आ रही हो कि नीचे का बॉर्डर मैं कैसे बना रही थी। कम्प्लीटली नीचे का बॉर्डर बन चुका है। अब ब्लाउज के गले पे डिज़ाइन करके दिखाएंगे, तो इसको साइड रखते हैं। तो ये देख लीजिए, डिज़ाइन बनाने के लिए एक पट्टी मैंने ले ली। इस पट्टी की जो चौड़ाई रखी वो 2 इंच है। अब इसको दोनों साइड से बराबर में थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे, फिर इसको बराबर में 20 से फोल्ड कर देंगे और इसकी साइड से सिलाई लगाते इसको पूरा स्टिच करेंगे। तो क्लियर, आप वीडियो में देख रहे हैं मैं कैसे बना रही। इसी तरीके से ये डिज़ाइन पूरा स्टिच करते हुए बना लीजिएगा फोल्ड करके। ठीक, मैंने देखिए फोल्डिंग करते हुए पूरा स्टिचिंग एक साइड से कर लिया। अब इसके दूसरे साइड से भी सिलाई लगाएंगे, दूसरे साइड से भी सिलाई लगाते इसको पूरा स्टिच कर देंगे। तो दोनों साइड से मैंने इसको प्रॉपरली स्टिच कर दिया है। अब इसको जो डिज़ाइन बनाने के लिए मैं कटिंग करूँ उसके पहले इसको साइड रखती हूँ। न्यूज़पेपर लेंगे, इसको डबल फोल्ड करके रखें, इसके ऊपर ब्लाउज़ को भी डबल फोल्ड करके रख दीजिएगा और इसके बराबर पूरा मार्किंग कर लीजिएगा। जिस इतना एरिया में आएगा इसका हाफ जो है गले के बराबर में इसका मार्किंग करनी है, और ऊपर के साइड से थोड़ा सा इस तरीके से गोलाई में मार्क करेंगे और ये थोड़ा सा 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे जो स्टिचिंग में जाएगा। इसकी पूरी कटिंग मैंने ये कर ली है। अब इसके ऊपर मैं डिज़ाइन करने के लिए पट्टियाँ जो मैंने अभी स्टिच की, इस पट्टियों को स्टिच करूँगी इसके ऊपर। तो
तो पट्टी को इसके ऊपर स्टिच कर दी जाएंगी और जो जितना आए उतना कट करके फिर एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। फिर उस तरीके से फिर उसको हम स्टिच करेंगे, थोड़ी सी गैपिंग रखते हुए बीच में। तो ऊपर के साइड से कम गैपिंग रखनी, नीचे के साइड से थोड़ा ज़्यादा गैपिंग रखनी है। तो आपको ये समझ में आ रही होगी, ऐसे में पूरा इसको बनाऊँगी। तो ये देख लीजिए, मैंने इसको पूरा कम्प्लीटली ये बना दिया, लास्ट है ये कम्प्लीटली बन चुका है। ऊपर की साइड पाइपिंग करनी, उसके लिए एक पट्टी लिए कट की, ये स्ट्रेचबल है, क्रॉस में कटिंग किया, तो इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसके साइड से सिलाई लगा तो इसको पूरा स्टिच कर लेंगे। तो मैंने ये देख लीजिए, इसके पूरा साइड से सिलाई लगा तो इसकी स्टिचिंग कर दी, इसको साइड रखेंगे और ये डिज़ाइन वाला ले लेंगे। इसके ऊपर के साइड से इसको बराबर में अटैच करेंगे सिलाई लगाते हुए। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं कैसे अटैच कर रही हूँ, इसी तरीके से बराबर में सिलाई लगाते हुए अटैच कर लीजिएगा। तो कम्प्लीटली मैंने इसकी स्टिचिंग कर दी, राउंड करते हुए पतली सी पाइपिंग बनाएंगे बिल्कुल, और सिलाई लगा के पाइपिंग को भी अच्छे से स्टिच कर लेंगे। तो ये पाइपिंग इसके ऊपर बन चुकी है। अब इसकी डेकोरेशन करने के लिए लेस ले लेते हैं और लेस को पाइपिंग के जस्ट साइड से बिल्कुल लगाएंगे। तो बराबर में रखते हुए लेस को साइड से पूरा स्टिच कर देंगे इसके ऊपर। ये कम्प्लीटली इसकी स्टिचिंग हो चुकी है। अब डोरी लेंगे और डोरी को मैं इसके ऊपर डिज़ाइन करते हुए लगाऊंगी। तो मार्केट की डोरी मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो बना के भी डोरी यूज़ कर सकते हैं। अब डोरियों का मैं बुनाई करते हुए इसके ऊपर अटैच करूँगी। तो क्लियर आप वीडियो में देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे बुनाई कर रही हूँ डोरी का। इस तरीके से चेन मॉडल बनाते हुए डोरी को पूरा अच्छे से इस पर अटैच कर लीजिएगा। तो मैंने ये डोरी को अच्छे से इस पर अटैच कर दिया है। अब इसके ऊपर डिज़ाइन करेंगे, तो इसको पहले साइड रखते हैं। और ये देख लीजिए, मैंने दो फैब्रिक स्क्वायर में कट किया है। एक डोरी ले लेंगे छोटी सी, इसके दोनों कॉर्नर से इस तरीके से इसका बनाते हुए फ्लावर को, फिर इसको क्रॉसिंग में फोल्ड करेंगे, नीचे के साइड से फोल्डिंग करते हुए फ्लावर को स्टिच कर देंगे। अब इसको पलट कर सीधा कर लीजिएगा। ये देखिए सीधा हो चुका है फ्लावर मेरा। इस तरीके से दूसरे साइड से भी इसके फ्लावर बना लेंगे। दोनों साइड बनाने के बाद इसको मैं जो डिज़ाइन अभी बनाई न्यूज़पेपर वाला उस पर अटैच करूँगी। तो उसको ले लिया है। इसका जो रिबन बनाएंगे ऊपर की साइड से और बीच में बिल्कुल मिड में पॉइंट में इसको अटैच करेंगे। तो जो डोरी वाली डिज़ाइन बनाई है चेन बनाते हो उसी के बीच वाले पॉइंट पर इसको रखते हुए पूरा स्टिच कर लीजिएगा। अब ये जो डिज़ाइन है इसको साइड रखूँगी मैं और ब्लाउज़ ले लेते हैं, सॉरी ब्लाउज़ पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए कुछ फैब्रिक स्क्वायर में कट किए हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई मैं 3 इंच रखी। इनको 4 पार्ट क्रॉसिंग में फोल्ड करने के बाद साइड के कॉर्नर को फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेंगे डिज़ाइन को। इसी तरीके से मैं इसके कुछ डिज़ाइन बना के आपको दिखा रही हूँ और सारे सेम ऐसे ही बनाए जाएंगे जैसे मैं ये डिज़ाइन बनाते हुए दिखा रही हूँ आपको। तो इसी तरीके से मैंने कम्प्लीटली पूरा डिज़ाइन बना लिया है। अब इनको कटिंग करके अलग अलग रखेंगे और इसको जो है साइड रखते हुए ब्लाउज़ ले लेते हैं। ब्लाउज़ गले पे इसको अटैच करूँगी, तो थोड़ा सा 1/2 इंच गैपिंग रखेंगे गले के बराबर में, फिर डिज़ाइनों को अटैच करेंगे इसके ऊपर। तो क्लियर आप वीडियो में देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से पूरा अटैच कर लीजिएगा डिज़ाइन। तो मैंने कम्प्लीटली पूरा अच्छे से इसको स्टिच कर लिया। लेस लेंगे इसकी डेकोरेशन करने के लिए, तो जहाँ से डिज़ाइन को अटैच किया सेम उसी जगह से लेस को भी रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो मैंने देखिए लेस की स्टिचिंग इसके ऊपर कर दिया है। अब इसकी भी डेकोरेशन करनी है। उसके पहले मैंने ये गोल्डन कलर की मोती ली है और गोल्डन कलर की मोती जितनी भी डिज़ाइन है सभी के ऊपर लगानी है। तो देख रहे हैं मैं कैसे टक कर रही हूँ मोतियों को, इसी तरीके सभी डिज़ाइन पर मोती को टक कर लीजिएगा। तो ऐसे मैंने कम्प्लीटली पूरे ब्लाउज़ को डेकोरेट कर दिया है। अब डिज़ाइन लेंगे और डिज़ाइन को इसके साथ में बिल्कुल बराबर रखेंगे और अटैच कर देंगे ब्लाउज के साथ में ही इसको बराबर करते हुए। तो मैंने ये देख लीजिए डिज़ाइन को ब्लाउज के साथ में अटैच कर लिया है। अब फिर से मैं मोती लूँगी और जितनी भी ये चेन वाली डिज़ाइन बनी है सबके बीच में एक एक मोती लगाएंगे। इस तरीके से पूरा मोती लगा लीजिएगा डिज़ाइन पे और बीच से एक सो बटन लगा देंगे।
तो देखिए कम्प्लीटली मेरा ब्लाउज डिज़ाइन बन चुका है। ये न्यूज़पेपर जो इसको पूरा मैं रिमूव कर दूँगी, तो मेरी ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कम्प्लीट है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत सिंपल सी डिज़ाइन थी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन, सब जैसा ब्यूटीफुल सिंपल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।